नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रभात एग्जाम की सरकारी नौकरी सेगमेंट में। आप सबने एसडीओ ऑफिसर इस पोस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा, लेकिन स्टूडेंट्स के बीच इस पोस्ट के विषय में कई कंफ्यूजन्स होते हैं, तो आज हम स्पष्ट रूप से जानेंगे कि कैसे बने सब डिविजनल ऑफिसर, क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इसकी भर्ती प्रक्रिया, सैलरी और भी बहुत कुछ। SDO एक सरकारी पोस्ट होती है जिसे उप मंडल अधिकारी यानी सब डिविजनल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है। SDO डिविजनल लेवल का ऑफिसर होता है। देश के प्रत्येक राज्य के लगभग हर सरकारी विभाग जैसे बिजली, पुलिस, सिंचाई, समाज कल्याण विभाग, इन सभी में SDO ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं। SDO ऑफिसर के अधिकारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। इन अधिकारियों की नियुक्ति और चयन भी राज्य सरकार द्वारा ही की जाती है। आइए SDO के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे देश में हर डिस्ट्रिक्ट को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और SDO अधिकारी ही इन ब्लॉक्स का संचालन करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में भी SDO की पोस्टिंग की जाती है, उसके द्वारा किए जाने वाले सारे सरकारी काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं, ये SDO ऑफिसर को ही सुनिश्चित करना होता है। ये एक बेहद जिम्मेदारी वाली पोस्ट है, जहां आपको सरकारी कामों और फाइल्स की जांच करनी होती है, साथ ही जनता द्वारा शिकायत आने पर उनकी शिकायत की सुनवाई भी करनी होती है। जो भूमिका एक DM की पूरे जिले में होती है, वही भूमिका एक SDO की अपने विभाग में होती है। अब हम बात कर लेते हैं भर्ती की प्रक्रिया की। SDO ऑफिसर का चयन सरकार द्वारा दो तरह से किया जाता है। सबसे पहले है प्रमोशन, जहां उस विभाग के छोटे अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती है और जो अच्छा काम करते हैं उन्हें SDO ऑफिसर बना दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी राज्य सरकारें SDO की डायरेक्ट भर्ती के लिए परीक्षा का आयोजन करती हैं, जिसे हम स्टेट PCS एग्जाम के नाम से जानते हैं। जैसे झारखंड से होता है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम यानी JPSC एग्जाम, बिहार से होता है BPSC एग्जाम, उत्तर प्रदेश से है UPPSC एग्जाम आदि। जानते हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक यानी ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। अब हम बात कर लेंगे एज लिमिट की, तो मिनिमम आपकी एज होनी चाहिए 21 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक हो सकती है, और मैक्सिमम राज्यों में यही देखी जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स, स्टेट टू स्टेट ये जो एज लिमिट है ये वेरी कर सकती है, आप चेक कर सकती हैं। आरक्षित वर्ग के लिए सरकार के दिशा निर्देशों अनुसार एज में छूट भी दी जाती है। अब बात करेंगे एग्जाम के पैटर्न की। हर राज्य के लिए ये थोड़ा बहुत वेरी जरूर करता है, लेकिन जो बेसिक पैटर्न है वो सबके लिए सेम है, यानी प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू। प्रीलिम्स यानी कि प्रारंभिक परीक्षा ज़्यादातर राज्यों में, इसमें दो पेपर हैं, यहाँ दोनों पेपर MCQ बेस्ड हैं। वहीं कुछ राज्य जैसे राजस्थान है, वहाँ पर केवल एक ही पेपर होता है। इसी प्रकार बिहार में भी एक ही पेपर है। याद रहे कि पेपर टू सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, जिसमें आपको कम से कम 33% मार्क्स लाने हैं मेंस एग्जाम तक पहुंचने के लिए। अब ये भी नोट कर ले कि झारखंड PCS में जो पेपर टू है, वहाँ पे जो फाइनल स्कोर है उसमें आपके पेपर टू के मार्क्स भी जोड़े जाते हैं। पेपर वन और पेपर टू जनरल स्टडीज या सामान्य अध्ययन पर ही आधारित होते हैं। और नोट करें कि झारखंड में पेपर टू स्टेट स्पेसिफिक होता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट स्टेज यानी मेंस एग्जाम की। इसमें शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं। मोस्टली स्टेट में यही पैटर्न फॉलो होता है, जैसे जनरल हिंदी, फिर एसे राइटिंग और जनरल स्टडीज के चार पेपर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नोट करने वाली बात कि बिहार में GS1 और GS2 ये दो ही पेपर होते हैं। इस एग्जाम में आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट का होना भी जरूरी है। इसमें आपको दो पेपर देने होते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट की सूची आपको उस राज्य की PCS वेबसाइट पर मिल जाती है। और नोट कर ले कि झारखंड PCS में कोई ऑप्शनल पेपर नहीं होता है। अब आखिरी चरण है इंटरव्यू का। यहाँ एकेडमिक्स के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी, अवेयरनेस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग स्किल्स टेस्ट की जाती हैं। इंटरव्यू के दौरान आपको अपना आत्मविश्वास बनाए रखना होता है, तभी आप इस इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं जल्दी से सैलरी की। तो सातवें वेतन आयोग के साथ एक पीसीएस अधिकारी को 56,100 रुपए से लेकर 224,100 रुपए प्रति माह के बीच का वेतन प्राप्त होता है। ये पे लेवल के साथ बढ़ता भी रहता है, साथ में आपको रहने के लिए घर, सरकारी वाहन और ऐसी ही कई सुविधाएं भी मिलती हैं। सबसे अहम है समाज में इज्जत, जो किसी के लिए भी पैसों से कहीं ज़्यादा मायने रखती है। इसके लिए प्रत्येक राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर विज्ञापन जारी किया जाता है और वेबसाइट पर जाकर ही आपको अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। जैसे JPSC के लिए है jpsc.gov.in, हरियाणा PCS के लिए है hpsc.gov.in और अधिक जानकारी के लिए आप अपनी स्टेट की PCS वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। सो फ्रेंड्स, आप समझ ही गए होंगे कि SDO की नौकरी भारत में आकर्षक और प्रतिष्ठित करियर ऑप्शंस में से एक है। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इस अवसर के बारे में जान सकें। और मिलते हैं जल्दी आपसे एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए प्रभात एग्जाम। धन्यवाद। अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश PGT और TGT चयन परीक्षा के लिए तैयारी, तो गारंटीड सक्सेस पाने के लिए आप पढ़ सकते हैं प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन की ओर से प्रत्येक विषय पर उपलब्ध किताबें, जैसे कि हिंदी, गृह विज्ञान, गणित आदि। इन प्रैक्टिस सेट्स के मिलेंगे व्याख्या सहित उत्तर, जिनसे आप सीखेंगे सॉल्व करने के बेहतर तरीके। ये बुक्स हैं लेटेस्ट सिलेबस पर बेस्ड, जिनसे आपकी तैयारी हो जाएगी मजबूत। तो आज ही खरीदें Amazon, Flipkart या नजदीकी बुक स्टोर से और पाएं अपना लक्ष्य।